हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्टडिंग वेल आल्सो। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा इस लेक्चर में टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बहुत अच्छे से समझा, उसी के पैटर्न पर आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। द अमाउंट विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट इज नोन एज ड्राइंग्स। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, देर इज़ नो नीड टू डिस्कस इट इन डिटेल। समटाइम इंटरेस्ट इज नॉट ओनली अलाउड ऑन द कैपिटल बट इंटरेस्ट इज ऑल्सो चार्ज्ड ऑन द ड्राइंग्स इन केस पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर दिस। सीधा सा मतलब है, अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। एंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट एलैप्स्ड बिटवीन द टेकिंग आउट ऑफ द मनी एंड द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इसमें टाइम फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द टाइम फॉर विच द मनी वॉज यूज बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब ये है कि पार्टनर ने मनी को करंट ईयर के अंदर कितने टाइम के लिए यूज किया है, उस टाइम पीरियड पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। आज के इस लेक्चर में हमने टाइम कंसेप्ट को ही समझना है कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहे। अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है, वेदर इट इज़ ऑन ड्राइंग्स, ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, सबको कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है। आज हम टाइम फैक्टर के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड समझेंगे। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें आपको सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट लोन के ऊपर भी हो सकता है, और ये इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट किसके ऊपर है। इस एग्जांपल में आप मान के चलिए कि चलिए ड्राइंग्स के ऊपर हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, जो अकाउंटिंग पीरियड है हमारा, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, और ये अमाउंट है जो अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ये ड्राइंग्स हैं 500, 400, 600 and 800। डेट्स दी हुई हैं, किस डेट्स पे, 28 फेब, 31 मार्च, और इसी तरह जून में भी विड्रॉ किया है, अक्टूबर में भी विड्रॉ किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6%। आपको सिंपली ये बताना है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। एक ही एंट्री जाएगी स्टूडेंट, ध्यान रखिए, आप चार बार विड्रॉ हुआ है तो अकाउंट्स में चार एंट्रीज नहीं जाएंगी, सिर्फ एक एंट्री जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो एंट्री क्या होगी, आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो ये तो आप आराम से बता दोगे कि ये तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा जी, 500 रुपीज़ यूज़ हुए हैं, कितने टाइम के लिए हम इसको देख लेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है। चलिए ऐसे ही चलते हैं, 500 रुपीज़ विड्रॉ हुआ है, कितने मंथ्स के लिए इसको यूज़ किया है पार्टनर ने। ये देखिए 28 फेब है, इसमें हम फैब का महीना तो नहीं लेंगे, आगे के महीने देखिए, टिल द एंड, कितना महीने है, 10 महीने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 6/100 इंटू में 10/12। इस केस में भी ऐसा ही होगा, 400 इंटू में 6/100 इंटू में कितने मंथ्स के लिए, मार्च को तो आप गिनेंगे नहीं, मार्च से आगे चलिए 9 मंथ्स/12। ठीक है, इसी तरह आगे चलिए, 600 × 6/100, 6 मंथ्स/12, 800 × 6/100 रेट नंबर 2 मंथ्स/12। लेकिन आप देखिए इसमें कितनी ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, एवरी टाइम हमें रेट इंटू में मंथ्स करना पड़ रहा है। चलिए फिर भी कैलकुलेट करते हैं, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28 रुपीज़, ये आ जाएगा 18 रुपीज़, 18 रुपीज़ and 8 रुपीज़, टोटल आया हमारा इंटरेस्ट चार्ज 69 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 69 रुपीज़ फॉर द होल ईयर। या हम एक इसकी जनरल एंट्री डालेंगे, क्या एंट्री डालेंगे हम इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए रिवेन्यू है या एक्सपेंस है? नेचुरली ये फर्म के लिए तो रिवेन्यू है ना, तो हम इसको P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और डेबिट किसको करेंगे, ये एक्सपेंस किसके लिए, ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या एंट्री डालते हैं इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे,
कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सिर्फ से एक एंट्री पड़ेगी 69 रुपीज़ से। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस मेथड को हम बोलते हैं सिंपल मेथड या शॉर्टकट मेथड। अब इसी इंटरेस्ट को हम एक और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए देखते हैं इस मेथड में और उस मेथड में क्या फ़र्क है और कौन सा मेथड ईजी है। प्रोडक्ट मेथड में हमने मंथ निकालने हैं, जितने मंथ्स के लिए अमाउंट मनी को यूज़ किया गया। हमने 28 फेब को फर्स्ट विड्रॉवल हुआ है तो कितने मंथ्स के लिए यूज़ हुआ है? ये 10 मंथ्स के लिए। आप मार्च से आगे लगाएंगे, फरवरी को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह ये हुआ है मंथ 9 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, और अक्टूबर के बाद 2 मंथ्स के लिए, नवंबर और दिसंबर 2 महीने के लिए यूज़ हुआ है। इसका प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, 5,000, 3,600, 3,600 and 1,600 and total is 13,800. Through product method, interest निकालने का जो formula है वो वही है जो हमने interest on capital के lecture में हमने आपको समझाया। That is total of product into में rate इंटू में 1/12, डेट इज 13,800 इंटू में 6/100 रेट 1/12। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 69 रुपीज़। इस एग्जांपल में आपने देखा जो अमाउंट विड्रॉन है इसकी डेट्स जो हैं ये अनइवन डेट्स हैं, मतलब फेब में किया, मार्च में किया, जून में किया, इवनली डेट्स नहीं है। और जो अमाउंट विड्रॉन है ये भी इवन नहीं है, 500 है, 400 है, इस तरह से डिफरेंट अमाउंट है, एवरी टाइम डिफरेंट अमाउंट है। तो हमारा एक ही पहला केस है अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल डेट्स। तो हमारे लिए बेस्ट मेथड है टू यूज प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम अपने सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। During the year means आपको कोई भी डेट नहीं दी है, ये डेट्स आपको दी ही नहीं है, अमाउंट इज अनइक्वल। इन डैट केस आप कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? उस केस के अंदर हमको ये सब कुछ नहीं निकालना, हमने सिर्फ से ये देखना है कि टोटल अमाउंट कितना है, 13,800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% इंटू में 6/12। इट मीन्स इन केस द डेट्स ऑफ अमाउंट विड्रॉन इज नॉट गिवन, इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 6 मंथ्स ऑन द अजम्पशंस दैट अमाउंट इज विड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब हमको डेट नहीं दी हुई है, हमें टोटल अमाउंट मालूम है 13,600 है, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि अमाउंट को इवनली विड्रॉ किया गया पूरे साल में, और हम उसके ऊपर एवरेज 6 मंथ्स के हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं 3rd से लेकर 8th सिचुएशन तक। इन सारी सिचुएशंस में टाइम फैक्टर का सिग्निफिकेंस है, हमने उस टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मंथ्स को कैलकुलेट करना है कि एवरेज मंथ क्या होगा। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स और अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली हमारी सिचुएशन है फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के शुरू में पहली तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जाता है थ्रू आउट द ईयर। उस केस में एवरेज मंथ्स क्या निकलेंगे हमारे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको अभी रब करता हूँ। मान लीजिए हर महीने की पहली तारीख को ₹1,000 इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर। 1st January अमाउंट विड्रॉन इज ₹1,000। 1st February ₹1,000 और अमाउंट भी ₹1,000। 1st February ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को ₹1,000 विड्रॉ हुए।
तो आप देखिए जो 1 जनवरी को अमाउंट 1000 रुपीज़ विड्रॉ हुआ, तो ये कितने पीरियड के लिए यूज़ किया गया बाय द पार्टनर? पूरे साल के लिए, मीन्स 12 महीने के लिए। जो 1 फरवरी को अमाउंट विड्रॉ हुआ, ये कितने टाइम के लिए यूज़ हुआ? ये 11 मंथ्स के लिए। हर महीने एक एक मंथ कम होता चला जाएगा, 10 मंथ्स। जो 1 दिसंबर को विड्रॉ हुआ, वो 1 महीने के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है जनवरी से दिसंबर तक का है। अब हमने क्या निकालना है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, हमें एवरेज मंथ नहीं मालूम कि कितने महीने के लिए यूज़ हुआ है। अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो आपको मोर देन 2 आवर्स लग जाएंगे, आप फिर भी एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसका एक सिंपल सा मेथड है कैलकुलेट करने का, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखना है? लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड कितना है हमारा? ये है हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड। और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड इज 1। अब हम अगर लॉन्गेस्ट पीरियड और शॉर्टेस्ट पीरियड को ऐड कर दें और इसका एवरेज निकाल लें, तो हमारे पास एवरेज मंथ आ जाएगा। मीन्स लॉन्गेस्ट पीरियड इज 12 प्लस में शॉर्टेस्ट पीरियड इज 1, इन दोनों को ऐड कर दें और हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा 13/2 = 6.5। तो एवरेज मंथ फॉर विच द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इज 6.5। तो इट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, देन एवरेज मंथ विल बी 6.5। ड्यूरिंग द ईयर में हमारा एवरेज मंथ था 6, ऑन द असम्पशन दैट अमाउंट इज विदड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। चलिए यहाँ तो ये 1 जनवरी का हमने निकाल दिया। इनकेस अगर अमाउंट विदड्रॉन होता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, हर महीने की लास्ट डेट पर अमाउंट विदड्रॉ हो रहा है, मीन्स 31 जनवरी को हुआ, 28 फरवरी को हो गया, फिर 30 सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, उस केस में हमारे पास एवरेज मंथ्स क्या आएंगे, किस तरह निकलेगा? मेथड हमारा यही रहेगा, अब इस केस में हमने यह देखना है जो 31 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ हुआ है, जनवरी का महीना तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट पीरियड रहा वो बाकी के साल रहा, यानी कि 11 मंथ्स रहा। अब एक एक महीना इसमें कम होता चला जाएगा। जो 28 फरवरी को पैसा विड्रॉ किया है, वो तो फैब तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, मार्च से हम काउंट करना शुरू करेंगे, तो ये हो गया 10 मंथ्स। इस केस में आप देखिए लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास कितना है 11, और शॉर्टेस्ट पीरियड कितना है 0। तो हमारा हो गया 11 + 0 / 2, डेट इज 5.5। इट मीन्स इन केस द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द एवरेज मंथ विल बी 5.5। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब यूनिफॉर्म अमाउंट होगा और यूनिफॉर्म डेट्स होंगी, जैसे कि एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए डेट्स के अंदर भी और अमाउंट भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी ये मेथड अप्लीकेबल है। चलिए इस केस के अंदर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आएगा? 12,000 तो हमारा टोटल अमाउंट विड्रॉन है, तो 12,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा 6% था ही, इंटू में 5.5/12, 12 मंथ्स हैं, यहाँ पे हमने मंथ्स कैलकुलेट किए हैं तो मंथ से हमने डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे डेज होते तो हम यहाँ 365 करते, अगर यहाँ पे वीक्स होते तो हम यहाँ 52 वीक्स करते। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा आपका 550 रुपीज़। देखिए इस मेथड से कितना आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, अदरवाइज़ आप इसको 2-3 घंटे में भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। और आगे चलते हैं, इन केस द फिक्स्ड अमाउंट इज़ विदड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में अगर अमाउंट को, सिमिलर अमाउंट को विदड्रॉ किया गया है, तब एवरेज मंथ्स कितने निकलेंगे? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं।
मिडिल से मतलब हमारा 15th ऑफ जनवरी, 15th ऑफ फेब, एवरी मंथ्स का 15 तारीख। पंद्रह जनवरी को अगर अमाउंट विड्रॉ हुआ है तो इसका मतलब आधा महीना तो ये और उसके बाद का पूरा साल 11.5 मंथ्स। इसी तरह आप एक एक महीना आप लेस करते चलिए। अब फिर से हम देखते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड क्या है हमारे पास, 11.5, ठीक है, और शॉर्टेस्ट पीरियड हमारे पास क्या है, 0.5। इसको डिवाइड कर दीजिए दो, डेट इज 12/2, 6, 6 मंथ्स। तो इट मींस फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, देन एवरेज मंथ विल बी 6। अब उम्मीद करता हूँ कि आगे के तीन जो केसेस हैं इसमें भी आप अपने आप निकाल सकते हो कि हमारे पास एवरेज मंथ्स कितना होगा। चलिए फिर भी हम बता देते हैं आपको, फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब तीन तीन महीने का एक क्वार्टर होता है। चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको भी रब करता हूँ। चलिए चार क्वार्टर हैं साल में, फर्स्ट क्वार्टर इज जनवरी टू मार्च, देन अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर एंड अक्टूबर से दिसंबर, चार क्वार्टर हो गए। फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इस क्वार्टर के बिगिनिंग में फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, डेट इज फर्स्ट जनवरी, डेट इज फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट अक्टूबर। चार बार सिमिलर अमाउंट इज विड्रॉन। नाउ द टोटल अमाउंट विड्रॉन इज नॉट 12,000, इट इज 4,000। अब आप देखिए लॉन्गेस्ट पीरियड इसमें अगेन 12 मंथ्स, इसी तरह 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट पीरियड जो है 12 है और जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो 3 मंथ्स का है। तो 12 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 7.5। इट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देन द एवरेज मंथ इज 7.5। क्लियर है? इतना खोल के इतना डिस्क्रिप्टिव वे में कोई भी नहीं बताएगा, किसी बुक में आपको इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। बुक्स में आपको सिर्फ से ये टेबल दे दी है, आप उसको रट सकते हैं, इनकेस आप भूल गए तो गलत हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, दो केसेस हमारे पास बचे हैं। फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया गया, हर क्वार्टर का एंड मतलब 31 मार्च, 30 जून। चलिए इसको भी करते हैं, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। अमाउंट विड्रॉन इज 1,000, सेम अमाउंट, टोटल इज 4,000, टोटल अमाउंट विड्रॉन इज 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। नाउ द लॉन्गेस्ट पीरियड इज 9 मंथ्स, इन दिस केस मार्च का, 31 मार्च को तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, अप्रैल से आप नीचे तक आएंगे दिसंबर तक, 9 मंथ्स इस केस में, 6 मंथ्स यहाँ पे, 3 मंथ्स यहाँ पे और 0 मंथ्स दिसंबर के केस में। तो लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा है 9 एंड 0, तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4.5। देखिए कितना आसान हो गया। इन केस द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देन द एवरेज मंथ्स विल बी 4.5। इसमें इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 4,000 हमारा टोटल विड्रॉवल, 6 रेट है हमारा एंड 4.5 अपॉन में 12, ये जो आएगा ये आपका टोटल इंटरेस्ट होगा। लास्ट सिचुएशंस रह गई है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब 15 फरवरी, 31 मार्च, 31 अगस्त एंड 30 नवंबर। अमाउंट विड्रॉन इज सेम, दोबारा से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अमाउंट विड्रॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, फिगर्स में फ़र्क नहीं होना चाहिए और ये भी यूनिफॉर्मिटी ही होनी चाहिए। तो अब देखिए कितने पीरियड के लिए इसको यूज़ किया गया, आप फैब का आधा महीना प्लस बाकी के साल, 10 मंथ्स और प्लस फैब का आधा, तो 10.5।
यहाँ पे देखिए मई का आधा महीना और बाकी का साल, ये हो गया 7.5। अगस्त का आधा महीना और बाकी के 4 महीने 4.5, और इस केस में नवंबर का आधा महीना और दिसंबर का 1.5। हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड क्या आ गया, 10.5 प्लस में 1.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 मंथ्स। तो फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर इज 6। अब टोटल इंटरेस्ट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में 6/12। अब जो भी आएगा वो आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो स्टूडेंट देखा आपने कितने आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मैं फिर से आपको बता दूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसको कैलकुलेट करने का, उसमें मंथ्स कैलकुलेट करने का यही एक मेथड है, ईजीएस्ट मेथड है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अभी भी जरा भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लीजिए और हमारे नए वीडियो का इंतजार करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए थैंक यू वेरी मच।